a very good afternoon to all my YouTube family. I hope you all are doing good, great. I'm back with another restaurant review. और आज मैं हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये स्टील के बर्तन क्या बने हुए हैं. देखिए, समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, राइट? वेल, ये जगह कौन सी है ये आप गेस कीजिए, अदरवाइज जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक. और आज मैं किस रेस्टोरेंट का रिव्यू कर रही हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ. तो मैं हूँ नासी एंड मी में, जापानीज एंड सिंगापुरियन क्यूजीन. इट्स वन ऑफ द फेमस इन बैंगलोर फॉर जापानीज क्यूजीन. चलिए आपको अंदर का एक लुक देते हैं एम्बियंस का, एंड देन विल कम टू फूड रिव्यू. दिस इज इनसाइड सिटिंग एरिया. ये इसका आउटर स्पेस है गाइस, देखिए. बस ये वहां तक, वो ग्रीन एरिया तक है बैठने का, फिर बाकी पूरा अंदर है. इसके दूसरे तरफ बॉम्बे ब्रेसरी, आयरिश हाउस वगैरह वो सब रेस्टोरेंट है. यहीं से ही इसका बाहर एग्जिट है. नासी एंड मी के जस्ट बगल में आयरिश हाउस है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आयरिश कॉफ़ी पीने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है. ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, पूरा आयरिश थीम पे बना हुआ है. ये आउटडोर सिटिंग है इसकी. सॉरी गाइस अगर वॉइस मेरी थोड़ी डिस्टर्ब आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे ये फाउंटेन चल रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है काफ़ी. और अंदर ऑलमोस्ट फुल है, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक का आवाज़ है, इसलिए मैं बाहर हूँ. ये इसका एंट्रेंस है. जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं हूँ द बे एरिया, जो कि सिचुएटेड है RMZ इको वर्ल्ड बेलंदूरू बेंगलोर में. नासी एंड मी, आयरिश हाउस, सब इसी के अंदर सिचुएटेड है, और भी बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल रिव्यू बताती हूँ नासी एंड मी रेस्टोरेंट के बारे में. तो पहला पॉइंट टेस्ट के लिए आई विल गिव 9 out of 10. एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, कि जैपनीज एकदम ही डिफरेंट क्यूजीन है. सुशी, डम्पलिंग्स, ये सब बहुत ही हेल्दी फूड है. इसमें कुछ भी इंडियन मसाले, ज़्यादा तला फला कुछ भी नहीं है. तो बेसिकली इट्स वेरी हेल्दी फूड, जिसका अगर हम धीरे धीरे टेस्ट एक्वायर करें तो बहुत टेस्टी लगेगा. इट विल बी वेरी यम्मी. जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो 3-4 चीज़ें ट्राई की थी, नो डाउट एवरीथिंग वाज वेरी हेल्दी. सुशी, डम्पलिंग्स एंड जो हमने नासी गोरेंग खाया था, उसमें जो फ्राइड राइस था वो मलेशियन फ्राइड राइस था, दैट वाज यम्मी, बहुत टेस्टी था. डम्पलिंग्स भी एंड सुशी, वेज सुशी भी बहुत टेस्टी था. बट वही है कि धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करने की बात है. हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एक बार में उतनी अच्छी ना लगे, सेकेंड टाइम जब आप विजिट करें यू विल लव दैट सेम डिश. नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एम्बियंस. एम्बियंस इज ओके, आई विल से नॉट वेरी फैंसी.
इट्स जस्ट ओके, मतलब कि आउटर में भी है बैठने का, आउटडोर सिटिंग भी है एंड इनडोर सिटिंग भी है. सो एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज सर्विस. सर्विस आई विल से 10 out of 10. सर्विस वॉज वेरी क्विक एंड लाइक ऑल द स्टाफ वर वेरी अटेंटिव टू योर नीड्स. और आप उनसे जो भी सजेशंस लो मेन्यू को, मेन्यू के रिगार्डिंग कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर वेरी न्यू टू दिस क्यूजीन, तो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्राई करें क्या नहीं. तो ऑल दी स्टाफ वर वेल अवेयर अबाउट दी डिशेस कि किस डिश में क्या रहेगा, कैसी उसकी क्वांटिटी रहेगी. तो दे वर ऑल वेल अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड. Now comes the pricing. So pricing is moderate. And now comes the fifth point, that is parking facility. Yes guys, Bay Area में ample parking facility है. ये हुए मेरे पांचों points. Now comes the final verdict. Is it worth going or not? Yes, definitely it is worth going. अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा review, quick सा review दे देती हूँ Irish House का भी, जहाँ हमने Irish coffee पी थी. तो आयरिश कॉफ़ी आई विल गिव 10 out of 10. सीरियसली गाइज, इट इज़ वर्थ पेइंग फॉर दैट. वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी यमी. मतलब केवल आप कभी लंच के बाद सिर्फ वो आयरिश कॉफ़ी पीने भी आप वहाँ पे चला के जा सकते हैं. तो इट्स अ मस्ट विजिट स्पेशली फॉर दैट आयरिश कॉफ़ी. तो गाइज, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो. नासी एंड मी आयरिश कॉफ़ी देख के सब कुछ अच्छा लगा हो. एंड आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू. अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना. और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस सब्सक्राइब बटन. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.